ओके, लेट्स बिगिन गाइस। आज जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है गाइस, इज वेरी स्मॉल टॉपिक, इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, मतलब सीखने के लायक इम्पोर्टेंट चीजें बहुत सारी चीजें इसमें, ठीक है। नाउ द थिंग इज व्हाट, जो आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, दैट इज नथिंग बट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये होने वाला है, ठीक है। लेकिन गाइस, एंगल ऑफ कांटेक्ट पढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें पहले तुम्हें समझा देता हूं मैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे वो वर्ड का इस्तेमाल डेफिनेटली होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग पहले इसको समझ ले, इसके बाद मैं तुम्हें एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है वो धीरे धीरे तुम लोग बता दूंगा। इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक, कॉन्सेप्ट भी छोटा है इसका, फटाक से खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा सिर्फ कैपिलरी ट्यूब बाकी रहेगा गाइस, जो कैपिलरी ट्यूब के अंदर तुम्हारे पास डेरिवेशन है और सम्स है, ठीक है। तो मतलब मेरा एक लेक्चर डेरिवेशन में जाएगा और एक लेक्चर तुम्हारा सम्स में जाएगा, जो हम बाय सैटरडे आई थिंक खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, और इसके सारे लेक्चर्स में मैक्सिमम हो गए गाइस मेरे, मैं तो अभी डाल दूंगा ग्रुप पे, रैंडमली पुट अप करते हैं ग्रुप में गाइस, तुम जैसे पढ़ना तुम पढ़ लेना, ठीक है। ओके फाइन, सो इसके पहले मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है बेसिकली, वो समझने से पहले गाइस मैं तुम्हें पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मैं सब लोग ने थोड़ा सा ये पढ़ा होगा, मतलब लोअर क्लास में कहीं तो ये पढ़ा होगा, कोहेंसिव फोर्स पढ़ा है क्या? कोहेंसिव फोर्स, सेकेंड हमारा एडहेसिव फोर्स, पढ़ा है थोड़ा सा कुछ, इसको याद है क्या? ये पढ़ा है कहीं तो भी? मतलब पहले ये समझना जरूरी है, उसके बाद में तुम लोग का एंगल ऑफ कांटेक्ट बहुत दिमाग मतलब एकदम इजी समझा सकता हूँ। ओके, सबसे फर्स्ट ये कोहेसिव फोर्स का मतलब होता है, जो फोर्सेस होते हैं ना, फोर्सेस, वो ऐसे फोर्सेस जो सेम मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे कि वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में होता है, जैसे कि कोई भी लिक्विड है लिक्विड के बीच में होता है, जैसे कि मान लो सॉलिड है सॉलिड के बीच में होता है, वो होता है कोहेसिव, मतलब सेम मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगने वाला कोहेसिव फोर्स है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे फोर्स बिटवीन सेम मॉलिक्यूल, सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, इसे हम कोहेसिव फोर्स बोलते। सबको समझाइए मित्रों, मित्रों यस सर। हाँ ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, एडहेसिव फोर्स क्या होता है? एडहेसिव फोर्स तुम्हें समझ में आ गया होगा कि फोर्सेस बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब मान लो एक लिक्विड है तो एक सॉलिड है, समझ में, वैसा वाला फोर्स, ठीक है। सो मतलब फोर्स बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ, डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ओके नाउ, मतलब इसके बीच में अगर तुम कंसीडर करो वाटर, जैसे कि वाटर और वाटर के बीच में एग्जांपल अगर पकड़े, एयर और एयर के बीच में सेम सेम मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर एग्जांपल पकड़े तो मतलब यहाँ पे मान लो वाटर एंड ग्लास के बीच, समझा गाइस? समझ में आ रही है? ओके, तो गाइस ये अच्छे से लिख लो तुम्हारे बुक में, ये इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आगे जो कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला है वो कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन दिस टू थिंग्स, मतलब कम्प्लीट नहीं है, मतलब इसका काम है, हमें डायरेक्टली वहां पे अगर कोहेसिव एडहेसिव फोर्स का नाम ले लूंगा और तुम पता ही नहीं होगा भाई सर क्या, कौन से चाइनीज लैंग्वेज में बात कर रहे हैं जो आजकल हम बैन कर रहे हैं,
तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम सबसे पहले ये अच्छे समझना बहुत जरूरी है। लिख लो क्या इसको फटाफट से। ओके गाइस, अब सबसे इम्पोर्टेंट वाला पार्ट आने वाला है, जो एक्चुअली एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट मेड बाय एंगल, वट एवर इट इज, ठीक है, वो पार्ट आएगा अभी। तो समझ लो गाइस, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब इसके तो मेन भाई कॉन्सेप्ट ही समझने आप लोगों। चलो एक एक बताता हूँ मैं, तीनों ड्रॉ करना था साथ में, लेकिन मैं पहले एक एक एक्सप्लेन करता हूँ। मैं तीन है गैस हमारे पास, ठीक है, मैं एक एक्सप्लेन करता हूँ। ओके सुनो, सपोज यहाँ पे कोई तो भी लिक्विड है, बाद में एक्सप्लेन करो कौन सा लिक्विड है यहाँ पे, और यहाँ पे ना मेरे पास एक कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है, वे आगे तो टॉपिक आएगा तुम्हारे पास अच्छा सा कैपिलरी ट्यूब का, ठीक है। अब ये जो लिक्विड है ना गाइस, ये जो लिक्विड, अब ये कैपिलरी ट्यूब है, तुम्हारे पास ग्लास ट्यूब हो गया बराबर, इसके अंदर ऑफ कोर्स लिक्विड है, मतलब ग्लास और लिक्विड के इसके अंदर कॉन्टैक्ट होने वाला है, सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है गाइस, ये जो लिक्विड है, जो लिक्विड में बातें बताता हूँ क्या है, वो लिक्विड ना ऐसे हो जाता है, ऐसे देखो ऐसे हो जाता है, टच होने के बाद देखो ऐसा बन जाता है, ठीक है। उसके तो रीजन बताता हूँ गाइस, धीरे धीरे आप लोगों को सब समझाता हूँ, एकदम आराम से समझाता हूँ मैं धीरे धीरे, ठीक है, समझ लो अच्छे समझ लो। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं वो लिक्विड के बारे में बताना चाहूंगा, जो यहाँ पे लिक्विड है हमारे पास, यहाँ पे कौन से लिक्विड है जो ऐसे कर्व फॉर्म हो सकते हैं आपके, हो सकते जो कर्व जो फॉर्म हो सकते हैं, एग्जांपल्स है जैसे केरोसिन, ठीक है, इम्प्योर वाटर, इम्प्योर वाटर, प्योर वाटर का अलग से क्या, एक हो सकता है मिथिलीन आयोडीन, मतलब बहुत सारे एक्चुअली गाइस, मैं तुम्हें दो तीन जो वो एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है, फाइन। अब इसका थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स मैं थोड़ा सा बताता हूं, मैं ऐसा क्यों लग रहा है मैं, ओके तुम ध्यान से सुनना गाइस, मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो गाइस ये सबसे पहले यहां से एक जो टेंजेंट बनता है, ठीक है, ओके, और यहां से जो टेंजेंट बनता है ऐसे, हमें दो टेंजेंट बना रहे हैं, ये वाला टेंजेंट जो है वो सॉलिड को लगने वाला टेंजेंट, देखो ये सॉलिड मतलब कौन सा, ग्लास को लगने वाला टेंजेंट, ये वाला ग्लास को लगने वाला टेंजेंट, ठीक है। सो मतलब जो ग्लास को लग रहा है गाइस, ये वाला टेंजेंट, ठीक है, मूव्स टूवर्ड्स द सॉलिड, मूव टूवर्ड्स द लिक्विड, देखो ये वाला जो टेंजेंट जो ग्लास को लग रहा है वो क्या कर रहा है, मूव्स टूवर्ड्स टूवर्ड्स लिक्विड, लिक्विड का है वो मूव अवे फ्रॉम लिक्विड हो रहा है, तो इनके बीच का जो एंगल होता है वो एंगल को हम बोलते हैं थीटा, और मतलब जो लिक्विड और जो सॉइल के बीच जो बना हुआ एंगल, जो उनके टेंजेंट से कनेक्टेड वाला जो एंगल बना है, उससे हम बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। और ये वाला जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है ना गाइज, ये वाला कौन सा वाला, ये वाला जो एंगल है थीटा, ठीक है, विच इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब क्या होता है, ये हमारा एक्यूट एंगल बनता है, विच इज मतलब हो सकता है 60 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 25 डिग्री हो, व्हाटएवर इट वुड बी, ठीक है, वो हमारा लेस देन बनेगा ये, ठीक है। अब भैया जी ऐसा क्यों होता है, ओके कुछ और चीजें भी है मेरे पास जो बताता हूं मैं, इंपॉर्टेंट गाइज, लिक्विड जो राइस होता है यहाँ पे, जो राइस जो बन रहा है यहाँ पे, ऐसा वाला जो लिक्विड है गाइस, वो हमारे पास जो मेनिकस बना, मेनिकस मतलब होता है ये वाला पार्ट, ठीक है, ये कॉनकेव वाला पार्ट बनाता है, मतलब यहाँ पे जो मेनिकस बनता है, लिक्विड जो फिल है वो कॉनकेव पार्ट में दिखता है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट फॉर्म्स कॉनकेव मेनिस्कस, ठीक है, फाइन, ओके ना। अब इम्पोर्टेंट थोड़ा सा पार्ट पे आते हैं, जो तुम बताने की कोशिश में कर रहा हूं, ऐसा बेसिकली क्यों होता है, ऐसा कर्व क्यों फॉर्म हो रहा है, ऐसा ऐसा वाला कर्व क्यों बेसिकली फॉर्म हो रहा है हमारा, ओके
इसका रीजन ऐसा है गाइस कि इसके अंदर तुम्हारे पास जो कोहेसिव फोर्स है, मतलब इसके बीच में ये वाला, ठीक है, ये वाला जो कोहेसिव फोर्स है गाइस वो लेस देन एडहेसिव फोर्स है। एडहेसिव फोर्स मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा गाइस, क्या होगा, क्या होगा, फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, करेक्ट, मतलब यहाँ पे जो फोर्स है तुम्हारा कोहेसिव का, ठीक है, वो लेस देन तुम्हारा एडहेसिव फोर्स है, मतलब जो लिक्विड और लिक्विड के बीच में का फोर्स है, ठीक है, वो कम है इसके बीच में ग्लास और लिक्विड से कंपैरिजन, इसलिए उसका एंगल 90 डिग्री बनता है, वो कॉनकेव मेनिकस है, और ये अपने तीन एग्जांपल्स, सबको समझाइए गाइस, फॉलोड, कुछ कंफ्यूजन है किसी को भी, मतलब ये वाले फर्स्ट पार्ट का अपने पास, फर्स्ट पार्ट का समझाना ये, ओके, नेक्स्ट वाला पार्ट, ये तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही, ओके, मैंने ये ऐसा लिक्विड है, ये लिक्विड में मैंने डाली कैपिलरी ट्यूब या ग्लास डाला मैंने, और ये भाई डायरेक्ट 90 बना रहा ना, यहाँ से सीधा 90, ये इधर और ये इधर, मतलब ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ये वाला। तो भाई ये ऐसा कौन सा वाला हो सकता है लिक्विड, ये एक ही लिक्विड हो सकता है गाइस जो एंगल बनाएगा 90 डिग्री, केरोसिन, नहीं नहीं केरोसिन तो इधर है, नहीं 90 डिग्री आपका सिर्फ प्योर वाटर बना सकता है, आपका प्योर वाटर बना सकता है ये वाला, ठीक है, इसका रीजन ऐसा है गाइस बिकॉज इसके अंदर आपके पास जो कोहेसिव फोर्स है वो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एडहेसिव फोर्स, ठीक है, और ये स्ट्रेट बनाता है यहाँ, ये हमारा प्योर वाटर था, ठीक है। अब लास्ट जो तुम लोगों को एक्सप्लेन करना है मुझे, ठीक है, ध्यान से देखो गाइस, लुक एंड लिसन वेरी वेरी केयरफुल, देखो ये वाला एंगल अगर देखोगे, ये हमारा सॉल्ट वाला एंगल है और ये वाला एंगल कौन सा, लिक्विड वाला है, तो लिक्विड वाला देखो अवे फ्रॉम लिक्विड जा रहा है और सॉल्ट वाला टूवर्ड्स द लिक्विड जा रहा है, ठीक है, तो दोनों के एंगल के पीछे क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है, ठीक है, ओके, नाउ थर्ड वन पॉइंट, तो लोग अच्छे से देखेंगे आप, प्लीज ध्यान दो गाइस, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर, इसके अंदर लिक्विड जो है, लिक्विड को कुछ ऐसे लिख देना, डुपक डुपक ऐसा कुछ देखना, ठीक है, फिर अभी ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है बता दो मैं, इसमें जो सॉलिड का है वो टूवर्ड्स लिक्विड बनता है, ठीक है, और ये जो लिक्विड वाला है वो अवे बनता है ऐसे, तो देखो ये वाला जो एंगल है तुम्हारा, देखो ये बनता है थीटा और ये ऑब्ट्यूस एंगल बनता है, मतलब ये एंगल तुम्हारा बड़ा है, मतलब इधर क्या समझ में आता है, दिस थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, समझ रहे हो, ठीक है, और इसको ये कौन दिखता है बताता हूँ, बराबर सुन लो, थोड़ा समझ में तो आ गया होगा, ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है हमारा, ओके, और ये जो कर्व फॉर्म हो रहा है गाइस वो कॉन्वेक्स मेनिस्कस है गाइस, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स, ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला जो है गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ना ये बेसिकली हमें किधर नजर आता है, ये हमें नजर आता है मर्क्यूरी में, अच्छा ठीक है, वो मर्क्यूरी के बारे में बात करते हैं, लेकिन भाई ऐसा क्यों है, इसके अंदर आप लोगों को क्या पता है, क्या चीजें उल्टी है, इसमें लिक्विड और लिक्विड के बीच में का फोर्स ज्यादा है कंपैरेटिवली ग्लास और लिक्विड के बीच में, मतलब यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है, जो हमारा कोहेसिव फोर्स है वो ग्रेटर है आपका एडहेसिव फोर्स से कंपैरिजन में, समझ रहा है ये, ठीक है, तो एग्जांपल क्या है यहाँ पे,
मर्क्यूरी, तो ये सारा मर्क्यूरी का पार्ट है। ओके चलो, को समझ में आया गाइस? कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो। एनीवन, मेरे मित्रों किसी को डाउट है गाइस तो प्लीज पूछ लो। पक्का नहीं है? ओके ठीक है गाइस, तो फटाफट लिख लो तुम्हारे बुक के अंदर, प्लीज डाउन कर लो इसको प्रॉपरली, अच्छे से डायग्राम है अच्छे से प्रॉपरली प्लीज डाउन कर लो इसको। अच्छा गाइस सुनो, ये वाला टॉपिक हमारा एक्चुअली पूरा खत्म हो गया, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, सो वी आर डन विद दिस टॉपिक। अभी सिर्फ हमारा एक ही टॉपिक बाकी है, वो है कैपिलरी ट्यूब का, जो हमारा कल शुरू हो जाएगा। कल हम शुरू कर दें कैपिलरी ट्यूब का टॉपिक, कल पूरा डेरिवेशन पढ़ाऊंगा और फिर डेरिवेशन से कनेक्टेड हमारे पास है सांस। ठीक है, बस तो मतलब दो टॉपिक लास्ट, इसके बाद वी आर डन विद मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, और फिर मंडे को सब लोगों ने टेस्ट देनी है मुझे, और सेकेंड थिंग उसके बाद मैं तुम्हारा फिजिक्स का नया चैप्टर शुरू कर दूंगा, अलोंग विद जो हमारा मैथ्स चल रहा है रेगुलर बेसिस पे, वो तुम रेगुलर चलाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, एक सेकंड ना, तो इसमें किसी को डाउट है तो मुझे पता पूछ लो गाइस, किसी को डाउट वगैरह कुछ है क्या इसमें, पूछ सकता है।